शाम तो अभी शुरू हुई है, अभी तो खाली इंट्रोडक्शन हुई है। हम लोग जाके परफॉर्म करने वाले, इसके बाद हम लोग दो गाने पे कर रहे हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से, एक तो सैटरडे सैटरडे एंड समझावा। करेक्ट। Will you get another corner to put all your awards? I think it's very encouraging that monthly awards हुआ है. पिछले हफ्ते me and Varun both won an award. हफ्ते नहीं, sorry, पिछले महीने me and Varun both. हर हफ्ते हमें एक award देते हैं लोग. But this time we are performing. Hopefully अगर अगली time July में जब हमारी film release होगी, hopefully we nominated again. बट इट्स वेरी इंकरेजिंग क्योंकि इतनी मेहनत जाती है फिल्म बनाने में, एंड आई फील एवरी मंथ बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है, एवरीबॉडी शुड गेट यू नो देयर ड्यू इन सम वे। आई थिंक उससे बड़ी चीज ये है कि जो टीवी इंडस्ट्री है, जो फिल्म की इंडस्ट्री है, वो दोनों साथ में आते हैं और उन दोनों का मिश्रण होके ये जो स्टेज है, ये जो मंच है, उस पर सब लोग साथ में परफॉर्म करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो रिलायंस है बिग जो स्पॉन्सर कर रहा है इसको, आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मंथली अवार्ड है बट इट्स बीइंग डन ऑन अ वेरी बिग स्केल, व्हिच इज गुड। आई डोंट थिंक इट्स अप टू मी टू चूज क्योंकि माय डायरेक्टर्स रिटन द फिल्म, सो ही शुड टेक द लिबर्टी टू चूज। आई एम बीइंग अ डाई हार्ड करीना कपूर फैन इन लाइफ आल्सो, वुड नॉट माइंड दैट। यादें है, बहुत यादें एक्चुअली स्कूल के वक्त। आई थिंक जब कुछ ज्यादा बारिश हो जाती है एंड समटाइम्स यू हैव स्कूल, तो वो लोग मिडवे स्कूल कैंसिल कर देते हैं, लाइक गो होम। सो मैं बहुत खुश हो जाता था कि बारिश हो रही है, चलो घर चलते हैं। हाँ, झगड़े के बारे में, हाँ, इट्स कम्प्लीटली फॉल्स। आई थिंक किसी ने ये खबर फैलाई है, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कभी कभी मेरे और सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कभी कभी प्यार करा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करा देते हैं, बट अभी नहीं, मैं सेव करूं गाना। आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा एक्चुअली, बट आलिया बहुत अच्छा रैप भी करती है। हम लोग साथ में रैप करेंगे। आप पहले, वरुण धवन ने वैसे भी पहली बार रैप किया है फिल्म में, लगी नहीं, पर जो सैटरडे का रैप करेंगे, 1 2 3 गो। आज फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गए तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंग का क्राउड। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ दी है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट, बट ये एक्चुअली स्टूडेंट। आलिया किसके किसके
हाँ जी मेरा भी टैटू है भूल नहीं दिखाना देख लो हाँ ये काफी भरी हुई पिक्चर है टैटूओं के साथ कुछ छुपे हुए कुछ ऐसे रिवील हो रहे हैं बट वो सैटरडे में हाँ वो रॉक ड्वेन जॉनसन का टैटू है उससे प्रभावित होके वो रखा है कॉपी नहीं मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे एंड आई थिंक अगर किसी का भी हक है उनसे इंस्पायर होने का है उनको फॉलो करने का इधर तो मेरा है क्योंकि मैं बहुत बिगनिंग से बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ ये नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ एंड इनफैक्ट जो मतलब बोले वही रोड नहीं उनसे आलिया आपका जो टैटू है ये फिल्म के लिए करवाया गया है नहीं ये परमानेंट टैटू नहीं है एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा है मुझसे कि प्लीज परमानेंट करवा दो बहुत अच्छा लगता है आप पे बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं पटाखा मैं एक्चुअली जो गाना भी आया था उसका फटाका गुड्डी और अभी इसमें भी फटाका है तो आई थिंक इन पे बहुत सूट मेरा कनेक्शन फटाके के साथ है इसका कनेक्शन शनिवार के साथ है तो अगर आपको कोई परमानेंट टैटू करवाना होगा तो वो क्या होगा जैसा है कि कुछ करवाना चाहिए आज क्या टैटू गुड क्वेश्चन एक्चुअली मैं कभी लाइफ में एडवर्ट नहीं कहा मैं टैटू करवाऊंगी बट ओनली व्हेन आई एम वेरी सीरियस अबाउट समथिंग वेरी डियर टू मी तब मैं शायद टैटू करवाऊंगी अभी तो अगर मैं सोच रही तो आई कैन जस्ट लाइक थिंक ऑफ लाइक getting my mom dad and my sisters like initials or my cat's name or something like that that's something that's very dear to me but phir bhi main itna zyada I don't give that much thought to it aapko aap batao ek joke aap suna do idhar mera ek joke FIFA हाँ नहीं मैं हंसी ना मैं फीफा के साथ ट्रेन कर रही थी अपेरेंटली फीफा जो मेरे ऊपर बंदे थे मैं बहुत एक्चुअली हर सुबह जब हम लोग मिलते हैं शूटिंग करते हैं सो हम लोग मिलके मैं उनको एक जोक सुनाता हूँ या बताता हूँ बट शी इज वेरी वेरी इनकरेजिंग अबाउट दिस थिंग्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी बात अगर रुकेगी तो ऑब्वियसली मीटअप नॉट दैट इंपॉर्टेंट बात तो करे ना कोई मेरे बारे में थैंक यू गाइस थैंक यू